को या तो दीपक या मोबाइल फोन या टॉर्च या फिर मोमबत्ती जलाना है लाइट बंद करते हुए रात्रि में, ठीक है ना। सभी लोग इसमें सहयोगी सहयोगी नौ बनेंगे मिनट के लिए, और 9 मिनट के लिए सब कार्यक्रम होना है, ठीक है। बधाई आप सब लोगों को, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, धन्यवाद जी। इसमें वो बता दो सर, प्रदेश सरकार के हमारे दिव्यांगजन कल्याण विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण, अधिकारीगण, मैं धन्यवाद देता हूँ। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के साथ ही कुष्ठावस्था पेंशन की एक साथ 86,71,781 लाभार्थियों के लिए 871,46,93,000 रुपये की राशि आज इन विभागों के द्वारा प्रदेश के अंदर एक साथ रिलीज की जा रही है। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है। भारत के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश 21 दिन के लॉकडाउन की इस कार्रवाई में सहभागी बन रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब और वंचित तक समयबद्ध ढंग से प्रशासनिक मशीनरी जब पहुंचाती है तो स्वाभाविक रूप से वह अपनी पीड़ा को भूल करके समाज की और देश की लड़ाई में सहभागी बनता हुआ दिखाई देता है। और आज आप सब ने जब यहाँ पर हम लोगों ने प्रदेश के उन सभी लाभार्थियों को, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए हों, दिव्यांगजन पेंशन से जुड़े हुए हों, निराश्रित महिला पेंशन हो या कुष्ठावस्था पेंशन, पेंशन की राशि छोटी है लेकिन वो अपने आप में एक संदेश देने वाली है कि उन सभी गरीबों, वंचितों और उन निराश्रितों के साथ सरकार खड़ी है एक संबल के रूप में, उनको कभी भी अनाथ या असहाय के रूप में हम नहीं रोक कहीं छोड़ सकते इस देश से। इस राशि के पाने के बाद भी उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिली है या सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को उन गरीबों के लिए कितना महत्व है, यह इसके माध्यम से हम सहज रूप से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने पूरी प्रशासनिक मशीनरी को जिसने 21 दिनों के लॉकडाउन की इस कार्रवाई के साथ प्रदेश के गरीबों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध ढंग से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बृहत अभियान को आगे बढ़ाया है। पहले दिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 27,15,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये भरण पोषण के रूप में उनके खाते में उपलब्ध कराने का कार्य किया था और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। विभागीय स्तर पर निरंतर इसका अनुसरण करते हुए इस कार्रवाई को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी पहले अप्रैल को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने, चाहे वह मनरेगा के श्रमिक हों
चाहे वह प्रदेश के अंत्योदय के कार्ड धारक हों, निर्माण श्रमिक हों और अन्य प्रकार के वे लोग जो इस लॉकडाउन के कार्रवाई में जिनकी रोजी रोजगार पर प्रभाव पड़ा है, ऐसे करोड़ों लोगों के पास राशन भिजवाने का कार्य, राशन उन तक पहुंचाने का कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 88 लाख मनरेगा श्रमिकों की उनकी 611 करोड़ रुपए की मनरेगा की मजदूरी को भी सफलतापूर्वक उनके खाते में भेजने का कार्य किया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 871 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि इन लगभग 86,71,081 जो लाभार्थी हैं, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है और कुष्ठावस्था पेंशन है, इन सभी लोगों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई आज यहाँ पर सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले इस राशि को एक साथ दो माह की राशि एक साथ अवमुक्त करने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर दिव्यांगजन पेंशन की इस राशि को और कुष्ठावस्था पेंशन की इस राशि को, दिव्यांगजन पेंशन की राशि पहले 300 रुपये थी, इसे हम 500 रुपये प्रति माह कर रहे हैं। कुष्ठावस्था पेंशन 2500 रुपये प्रति लाभार्थी है। इस प्रकार से इस कार्य के लिए दिव्यांगजन कल्याण विभाग को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विभाग के मंत्री यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी भी। निराश्रित महिला पेंशन की योजना महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा और वृद्धावस्था पेंशन की राशि समाज कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर वितरण की कार्रवाई, पहले से कई अधिक लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होना और साथ ही साथ राशि में बढ़ोतरी के साथ उन सभी ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का कार्य आज यहाँ पर हो रहा है। आपने देखा होगा कि राशि आप के लिए अन्य लोगों के लिए छोटी दिख सकती हो, 500 रुपये 1000 रुपये, लेकिन एक गरीब के लिए इस राशि का क्या महत्व है या उनके चेहरे की चमक से स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से ज़्यादातर लाभार्थियों ने इस बात को कहा कि उन्हें समय से पेंशन की राशि उपलब्ध हो रही है। समय से किसी भी लाभार्थी को योजना का लाभ मिल जाना ये बड़ा कार्य है और आज यहाँ पर इस समयबद्ध ढंग से शासन की योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक उपलब्ध हो जाना ये सुशासन की एक प्रमुख और प्रभावी कार्रवाई का हिस्सा माना जा सकता है। मैं इसके लिए सभी संबंधित विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इन सभी लाभार्थियों के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि यह राशि उनके आवश्यक कार्यों में उनके लिए उपयोगी बन सके। इस देश से उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जो कार्रवाई पिछले हम लोगों ने 10-12 दिन से लगातार अलग अलग प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए या फिर मनरेगा मजदूरों के लिए, हर एक तबके के लोगों के लिए जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं, इन योजनाओं के माध्यम से हम हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने में और लॉकडाउन के इस कार्रवाई के बावजूद हम भारत सरकार के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उनके अपील और निर्देश के अनुसार कोरोना महामारी की इस लड़ाई में भी प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नागरिक को सहभागी बनाने में सफल होंगे। मैं इस अवसर पर इन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन विभागों ने इस कार्रवाई में भागीदारी बनकर के समयबद्ध ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबके प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।